नमस्कार, मैं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। मध्य प्रदेश जिला भिंड विधानसभा महकाव में रात्रि को चली गोली, युवक बाल बाल बचा। नागरीय प्रशासन राज्य मंत्री माननीय ओपीएस भदौरिया महकाव नेशनल हाईवे 92 पर स्थित सर्किट हाउस के पास बना बंगला, उससे महज कुछ ही दूरी पर शनिवार की रात्रि करीब 8:30 बजे 4 लोगों ने बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के द्वारा आरोपियों को तत्काल पकड़ने के निर्देश पुलिस को दिए गए और जिले भर में नाकाबंदी कर चेकिंग जारी कर दी गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को 2.5 घंटे के अंदर ग्राम अमायन और ग्राम भरौली के बीच में पकड़ने वाले बेहड़ी डांग से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को उनके नाम सहित पहचान कर अपराध कायम किया गया है। घटना के वक्त मंत्री जी बंगले पर मौजूद नहीं थे। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। हाँ जी, आज रात 8:30 बजे की बात है। फरियादी सोमवरन सिंह पुत्र कप्तान सिंह भदौरिया निवासी अखलौनी ने थाने पर यहाँ रिपोर्ट करी है कि वो अपने साथियों के साथ रेस्ट हाउस के बाहर टहल रहा था, तभी एक SUV गाड़ी से 4 लोग आए, जिनमें से एक बंटी राजपूत मढ़ाइयन थाना रौन का था और दूसरा भूरे यादव निवासी गौरव। ये इन्होंने मुआवजा बंदूकों से उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए, जिनसे बाल बाल बचे और फायर करके ये लोग भाग गए। तो मंत्री के बंगले के बाहर घटना है? हाँ, ये रेस्ट हाउस के बाहर की घटना है, वहाँ से थोड़ी दूर पर मंत्री जी का शासकीय क्वार्टर। दूसरा जो भूरे यादव का नाम आ रहा है, रित माफिया बताया जा रहा है, ये हम इस संबंध में विवेचना कर रहे हैं, ये कौन है क्या है। अभी जो उन्होंने बताया उस हिसाब से अपराध 307 का पंजीबद्ध कर लिया, पार्टियाँ इनकी गिरफ्तारी है तो नाकाबंदी पूरे जिले की करा दी गई है और पार्टियाँ रवाना हो गई और किसी दिन को पकड़ लिया जाएगा, तत्पश्चात पूरी स्थिति सामने आएगी। क्या मंत्री अपने आवास पे उपस्थित थे? नहीं। इस तरह की घटना क्या बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा? मंत्री बंगले के बाहर फायरिंग हो रही है, नहीं, बड़ा अपराध तो है, जो रेस्ट हाउस के बाहर की घटना है, परंतु है तो 307 है। अब क्यों क्या किया इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन विवेचना जारी है और उससे पूरा पिक्चर आएगी सामने क्या स्थिति। ठीक है।